वो पान के पत्ते में डाल के इस वो लड़की वाला खाएगा और ये लड़का वाला खाएगा उनका ब्लड में। ये भी है इसे? तब तो दो चीज में एक जान होंगे। अरे बोलो भाई सोनू भैया कल्याण हो गया। लग गया मेरा, लग गया पंडित जी। अब ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तुमाना हो रहा है। अभी इससे पहले जो ना उसके उंगली से जो ना थोड़ा सा वो ब्लड निकल गया। अरे निकालेंगे अभी? वो निकल गया, दे दिया गया। वो जो ना और वहाँ लड़की के उंगली से भी निकाला गया होगा। अच्छा, वो पान के पत्ते में डाल के इस वो लड़की वाला खाएगा और ये लड़का वाला खाएगा ब्लड में। ये भी है? इसे क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये सब भी होता है। सही है। तब तो दो चीज में एक जान होंगे। और अभी ये जो सिर पे रखा है ये क्या पूरा वहाँ तक पहनेगा? नहीं नहीं, ये अभी गाड़ी में बैठ कर जो निकाल लेगा। अच्छा। गाड़ी में नॉर्मल जो पाके वो डाल लेगा। अच्छा, इस ये सब बीत के लिए यूज होता है, फिर वहाँ पे भी ये बीत के लिए यूज होगा, फिर हटा दिया जाएगा। अच्छा, रेगुलर नहीं पहनना। अच्छा अच्छा, इसे बोलते क्या वैसे सिर वाले को? इसको क्या कहते हैं? मोरी बोलते हैं। मोरी। तो ये जो दो दिस मोर एक जान का, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। ये हम लोग क्या होते हैं पर हम लोग क्या कुमारी लड़कियाँ करती हैं, जैसे मतलब जैसे जो करते हैं ना ये पैर में कंधे पे और नहीं नहीं वो पान के पत्ते वाला पसु ना, पान के पत्ते वाला नहीं होता। अच्छा। जैसे अभी चूम रहे हैं ना जगह रख के, चावल से हल्दी से अलग अलग चीज़ों से होते हैं, तो हम लोग जो कुमारी लड़कियाँ तो वो करते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे नई नई चीज़ देखने को मिल रही है जो कि हमारे गढ़वाल के टेंट से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं जो मैंने कभी देखी नहीं थी। अलग अलग तरह के कल्चर है सबके, एंड दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वहाँ इसकी सास जो होगी वो ये करती है, परसौनी कहलाता है वो। अच्छा, पान के पत्ते से जो ना आग पे ऐसे सेका जाता है और सब मीठा। हाँ, वो जानना है इनको, वही बता रहे हैं। और अभी तो निकलने टाइम गेट पे जो ना एक ये क्या कहते हैं सरसों को जला कर पूरे का ताकि नजर ना लगे बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, निकलने टाइम गेट पे एक होगा जलता हुआ गोईठा में, उसको पलट के और पैर से फोड़ना होगा। अच्छा। और फिर पलट के नहीं देखना है। अच्छा, तो सीधे चलना। हाँ, तो भैया से काफ़ी ये सुनने को मिल रही है, बता रहे हैं अच्छा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आगे भी बताते हैं। मास्क कोई बात नहीं, मास्क भी जरूरी है। तो लड़का रेडी एकदम, शुभ विवाह। तो ये गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पे, सात बोलेरो। हम लोगों ने क्या करा है कि एक बोलेरो में अपना सामान डाल दिया है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं,
और पहले हमने ढूंढी की बेस्ट गाड़ी कौन सी है जो सबसे साफ लग रही थी, वो हमने पकड़ ली। शांतनु भाई सॉरी। तो बाजी को क्योंकि आगे की सीट चाहिए थी। सुविवाह शांतनु अनु। हाँ ये रहा सुविवाह शांतनु। शांतनु अनु। शांतनु वाह तनु तनु। तो अभी बस तैयार है गाड़ी चलने का और जल्दी से पहुँचने का। और इस रास्ते की स्टोरी भी लंबी है। हम अभी जा रहे हैं पता नहीं किसी अंदरूनी इलाके से। वी सेव्ड 70 रुपीज। हाउ मच? 70 रुपीज। टोल के 70 रुपए दे रहे हैं। तो दोस्तों की थ्योरी ये है कि टोल के 70 रुपए ना देने पड़े, इसलिए हम जा रहे हैं किसी जंगल से इंटीरियर इलाके से। लेकिन रोड देखिए कितनी मलाई है, इतने झटके। वाह वाह मोदी जी वाह। आप ये स्क्रीन में देखेंगे तो चक्कर ही आने लगेंगे। जिंदाबाद। पंचायत चुनाव चल रहे हैं यहाँ। और इस पुल का नाम क्या है अंकल जी? सुमरिया। तो सिमरिया का ब्रिज है जिसपे हम अभी जा रहे हैं। गंगा जी नीचे है पूरी गंगा जी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रिज है गंगा नदी को क्रॉस करने के लिए, और दूसरा अभी इन प्रोग्रेस है। और आई डोंट थिंक सो कि ये भी ये बन पाएगा। 1-2-3 साल तक तो लगभग लगेगा इसमें। ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। देखो कब तक बनता है भाई। टाइम गाइस। और अभी रुकी है हमारी गाड़ी। कौन सी जगह है? अरे कौन सी जगह है शांतनु? जगह कौन सी है ये? रामपुर डुमरा। डुमरा। चलो चाय पीने आओ बाबा। धर्मेंद्र आ जा चाय पीते हैं यार। थैंक यू। ये मिल गया हमें नाश्ता। ये हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने। तो यहाँ के सामने एक नदी है, बहुत अच्छा सीन दिख रहा था तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वाओ ये घाट है। हम पहुंचने वाले हैं जमालपुर और हालत बहुत पस्त हो चुकी है सबकी। Thank you.
और ये गाड़ी आ चुकी है अंदर, शांतनु की सवारी। अरे बढ़िया बा यार बाबा। सही है, गाड़ी अंदर ही घुसा दी। मुझे तो लगा आगे तक लेके जाएंगे। ले जाओ यार आगे तक ले जाओ भाई। हैं इससे आगे नहीं जाएगी? अरे थोड़ा आगे भी उड़ा दो। हैं चलो चलो चलो। आपने पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा रखा है तब से। बहुत बढ़िया, सबको दिखला रहा हूँ मैं घर से। ये मामा जी पूरा दर्शन करा रहे हैं यहाँ से लाइव। मामा जी बढ़िया आदमी। अरे बोलो भाई। सोनू भैया ब्यूटीफुल लालपुर नीलापुर। सोनू भैया ब्यूटीफुल लालपुर नीलापुर। सोनू भैया ब्यूटीफुल नीलापुर। सोनू भैया ब्यूटीफुल। फाइनली हमने ले लिया है खाना बहुत बड़ी तपस्या के बाद, और अभी ज़्यादा सामान नहीं लिया, मैंने चिकन ही लिया है। बाजी तो आई हार्ड गोल चिकन पैन लिया। क्या बोलना चाहेंगे आप? शुभम जी के वीडियोस को नहीं, भगवना जी के वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब। अरे वाह, गिफ्ट मिला क्या बात है। तुम भी बोल रहे यार, भूल गया तो। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हनीमून छोड़ गया है। वाइफ को बोला तुम्हें जाना तो चले जाओ, तो शादी में जाओ। और पाजी यहीं रुक रहे हैं और अब हम चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। डे 3 इन बिहार और रात बहुत चैलेंजिंग भी थी हमारी, क्योंकि मच्छरों ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी थी। तो बाबा नींद आई रात को? नींद तो आई यार, बट नॉट सो साउंड स्लीप। और दिक्कत दूसरी ये हो गई है कि अपनी फ्लाइट हो गई है लेट। और वो भी कितना लेट? 15 मिनट 20 मिनट नहीं, पूरे 4.25 घंटे लेट। तो 4.25 घंटे फ्लाइट लेट हो चुकी है और मैं पाजी और बाबा अभी यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। और पहले हम यहाँ से जाएंगे पटना। पटना में हमें पता नहीं कहाँ रहेंगे हम, 9 घंटा वेट और देखते हैं क्या करना है। बट जो भी है, जाना तो है घर वापस, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हम पहुंच चुके हैं जमालपुर के प्लेटफॉर्म पे, और मेन थिंग की यहाँ पे भीड़ बहुत है और साथ में पता नहीं चल रहा है कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। कोई पूछताछ, सब कुछ खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है। और सीन है ऐसा कि अभी पता नहीं चला है, हमने लॉजिक लगाया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो ट्रेन आ रही है वो 7:48 पे आ रही है, तो इसका मतलब हमारी ट्रेन है 7:50 पे, तो वो बचा प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। बाबा सो चुके हैं और बाजी ले रहे हैं चाय की चुस्की। और हम पहुंच चुके हैं पटना रेलवे स्टेशन। तो बाबा बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी फ्लाइट ऑलरेडी 4.25 घंटे लेट थी, 2 घंटे फर्दर डिले हो गई है। अब आएगी 11 बजे और हम पहुँचेंगे घर 1 बजे। क्या आप खाना पसंद करेंगे? घर जाना पसंद करेंगे। स्पाइसजेट की उड़ान संख्या 481।
कॉम्प्लीमेंट्री बचा हुआ खाना खाने के लिए पहुंच जाए। और ये बज रहे हैं अभी रात के 11। तो गाइस फाइनली आफ्टर लॉन्ग वी आर इनसाइड द एयरक्राफ्ट और ये सफर का हमेशा याद रहेगा। देखते हैं अब कितनी देर में पहुँचते हैं हम दिल्ली, जब भी पहुँचेंगे आई विल अपडेट यू। टिल देन एंड फाइनली वी रीच दिल्ली। अभी बज रहे हैं 1:15 और फ्लाइट लैंड कर चुकी है। अपना चेक इन बैग कलेक्ट करना है, उसके बाद जाएंगे घर।